हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों एक और नोटिस अभी रेलवे की तरफ से अपडेट आई है, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने एग्ज़ाम कैलेंडर को रिवाइज कर दिया है। दोस्तों रिवाइज नोटिस एग्ज़ाम कैलेंडर का डाला है, तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि एक छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें देखेंगे जो रिवाइज कैलेंडर है उसमें दोस्तों रेलवे ने क्या बदलाव किया है एंड दोस्तों क्या नहीं किया। आरआरबी की तरफ से देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड देख लीजिए। देखिए टेंटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर सीएन 1/2024 एएलपी एंड सीएन 1/2024 आरपीएफ एसआई, सीएन 2/2024 टेक्नीशियन एंड सीएन 3/2024 जेई सीएमएस। ये देखिए दोस्तों इनका मतलब एग्जाम कैलेंडर रिवाइज किया। अब देखेंगे दोस्तों इसमें क्या बदलाव किया है रेलवे ने। देखिए एएलपी के एग्ज़ाम देखिए 25/11 से लेकर 29/11 तक पहले भी थी और अभी भी देखिए पहले वाले नोटिस में भी यही एग्ज़ाम है। एएलपी की डेट में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। आरपीएफ एसआई की देखिए एग्ज़ाम में देखते हैं दोस्तों पहले और अब में कोई चेंजेस है क्या। पहले आरपीएफ एग्ज़ाम की जो डेट पहले वाले नोटिस में थी, जो देखिएगा दोस्तों जो नोटिस आया था लगभग सात तारीख को नोटिस आया था इसी महीने की में, इसमें देखिएगा पहले वाले नोटिस में आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम थी 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक। अब देखते हैं दोस्तों आरपीएफ एसआई की अब वाले नोटिस में देखिएगा 2 दिसंबर से लेके आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम है। क्योंकि दोस्तों इनको अभी इनमें आरपीएफ एसआई में देखिए दोस्तों 15 लाख प्लस स्टूडेंट है, यानी आरपीएफ एसआई में 15 लाख प्लस स्टूडेंट है। तो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक इनकी एग्ज़ाम चलने वाली। उसके बाद में टेक्नीशियन की एग्ज़ाम देखिए दोस्तों, अब नए वाले नोटिस में देखिए टेक्नीशियन की एग्ज़ाम 18 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक है और लगभग दोस्तों इसमें भी 30 लाख प्लस स्टूडेंट है, यानी 30 लाख प्लस स्टूडेंट इसमें भी है। और पहले वाले नोटिस में देखिएगा टेक्नीशियन की एग्ज़ाम देखती 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर, यानी कि दोस्तों अभी 18 दिसंबर से होने वाली है। उसी के बाद में देखिए जेई वाली एग्ज़ाम की बात करें तो 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जेई की एग्ज़ाम थी दोस्तों। अब वाले नोटिस में जेई की एग्ज़ाम 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक है और पहले वाले नोटिस में जेई की एग्ज़ाम थी दोस्तों 6 दिसंबर से 13 दिसंबर, यानी कि दोस्तों आरपीएफ की जस्ट जेई की एग्ज़ाम, आरपीएफ की एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट जेई की एग्ज़ाम है दोस्तों। तो दोस्तों रिवाइज नोटिस में क्या चेंजेस हुआ है देख लीजिएगा दोस्तों, आप खुद देख लीजिएगा। ईएलपी के एग्ज़ाम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, आरपीएफ एसआई आरपीएफ टेक्नीशियन और दोस्तों आरआरबी जेई, ये तीन एग्ज़ामों की डेट में चेंजेस हुआ है ये दोस्तों। पहले भी देखिएगा, ये पहले वाला नोटिस है देखिए, ये अब वाला नोटिस है देखिए, इसमें पहले भी देखिए ये एग्ज़ाम 5 दिसंबर से थी 12 दिसंबर तक, यानी अब देखिएगा दोस्तों ये एग्ज़ाम 2 दिसंबर से कर दी गई है। उसके बाद में देखिएगा ये एग्ज़ाम 13 दिसंबर से थी तो ये एग्ज़ाम को 29 दिसंबर से 18 दिसंबर से कर दिया और ये एग्ज़ाम देखिएगा दोस्तों इन्हीं के बाद में खत्म थी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो, अब देखते हैं दोस्तों कि एनटीपीसी वाली एग्ज़ाम कब तक हो सकती है एंड पैरामेडिकल की एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। देखिए दोस्तों ये एग्ज़ाम का शेड्यूल है लगभग फरवरी यानी दिसंबर तक पूरा लगभग ये शेड्यूल फिक्स है दोस्तों, यानी 29 दिसंबर यानी पूरा दिसंबर यानी नवंबर दिसंबर इस एग्ज़ाम में चला जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों एसएससी वापस अपनी, क्योंकि दोस्तों इस टाइम के बीच में एसएससी की एग्ज़ाम एक भी एग्ज़ाम नहीं होगी और एसएससी की और एनटीपीसी यानी रेलवे की एग्ज़ाम टीसीएस करवाएगा दोस्तों। तो टीसीएस इन दोनों की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था है। तो दोस्तों इसके बाद में एसएससी की एग्ज़ाम वापस चालू होंगी, यानी कि 1-2 महीने का गैप आएगा वापस, यानी कि जनवरी आ सकता है दोस्तों और उसके बाद में फरवरी और मार्च में फिर दोस्तों एग्ज़ाम रेलवे की चालू ही होंगी। तो दोस्तों उसके बाद में मार्च में जो पहली एग्ज़ाम होगी रेलवे की वो होगी दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल वाली, यानी दोस्तों आरपीएफ जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम होगी वो सबसे पहले एग्ज़ाम होगी। उसके बाद में दोस्तों पैरामेडिकल, यानी दोस्तों ये लगभग मार्च में ये एग्ज़ाम चालू होगी। उसके बाद में पैरामेडिकल वाली एनटीपीसी में जो पैरामेडिकल वैकेंसी आती है वो वाली एग्ज़ाम होगी दोस्तों, ये भी लगभग मार्च में हो जाएगी। और फिर एनटीपीसी की ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी वाली एग्ज़ाम होगी दोस्तों मार्च और मई के आसपास, ये में अप्रैल मई के आसपास ये एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। यानी कि दोस्तों एनटीपीसी वाली जो एग्ज़ाम जाएंगी वो अप्रैल एंड मई में, एंड CBT 1 जो एनटीपीसी का अप्रैल मई में जाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और देखिएगा दोस्तों इन्होंने नीचे भी दिया है द लिंक विज द एग्ज़ाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग ट्रेवलिंग अथॉरिटी पास एससी एसटी के लिए, ये दोस्तों 10 दिन पहले पता पड़ जाएगा और जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो ये आरआरबी की वेबसाइट यहाँ से। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो, ये एग्ज़ाम कैलेंडर रिवाइज एग्जाम कैलेंडर की रिगार्डिंग। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में बता दिए दोस्तों। तो अप्रैल मई में एनटीपीसी की एग्ज़ाम होंगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।